आज तुम जिंदा रहती, आज मैं समर सिंह को फाड़ के खा ले जाती अगर मुझे पहले ये बताई होती तो। सब लोग को ये बात पता थी, माने समर सिंह ने शायद मारा था, जब समर सिंह ने मारा था तो क्लोज फ्रेंड संजय सिंह ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया और ये लोग मेरी बेटी को निकाल के ले गए थे। और आंटी जी इसमें होटल मैनेजर पूरा शामिल है, होटल मैनेजर को क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी हुई मैं शुरू से चिल्ला रही हूँ, और ना ही सोमेंद्र होटल अभी तक सील हुई है, सील भी नहीं हुई। मेरी बेटी का जितना सामान था 105 कमरा में, वो सारा सामान पुलिस वालों ने मेरे इजाजत से, मेरे बगैर इजाजत के, मैंने इजाजत नहीं दिया कि सामान निकाल के लेके आओ, मेरे बगैर इजाजत के वो लोग सामान निकाल के चौकी में ला रख के रख दिए हैं। पवन सिंह जब आए थे तो आप लोग देख रहे हैं लाइव खुद ही, जो बोले थे कि अरे मैं इंडस्ट्री से मैंने हीरो नहीं बन के आया हूँ और ना दिखावटी के लिए आया हूँ, मैं एक आम आदमी था कि मैं बेटा बन के आपका घर का मैं बेटा बन के आया हूँ। मुझे बोले भी कि आपका बेटा गया तो ये मत समझिए कि नहीं है, मैं आपका बेटा हूँ और मैं आजीवन आप लोग का बेटा बन के रहूंगा। तो बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है जी। तो आज हम आए हैं आकांक्षा दुबे जी के यहाँ, उनकी माता जी से मिलने, क्योंकि भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री आकांक्षा दुबे जी एक अभिनेत्री थी, डांसर थी, अच्छी कलाकार थी, उनकी माता जी से पूछते हैं कि क्या थी घटना और क्या हुआ था। आज उनकी बरसी है, एक साल हो गया। तो थी 3-4 साल से, 2020 से कि इसके साथ समर सिंह के साथ में काम करती थी, 4 साल से काम करती थी। काम करने से फिर वो माने पैसा वैसा नहीं देता था जी। तो फिर वो बोली कि मैं तेरे साथ में काम नहीं करूँगी, मैं दूसरे साथ में काम करूँगी। तो इसके लिए फिर वो इसको ये हुआ। और मुझे नहीं पता, मुझे खाली संजय सिंह का धमकी जो आया था, मैंने फ़ोन किया तो बोली कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है। मैं बोली बेटा इसका कंप्लेन करो, मम्मी बोली कि नहीं वो करी, बोलती मम्मी छोटी मोटी बात होती रहती है, उनको ने भाई इंदर के ऐसा बोला है थोड़ी मार देगा, 3-4 साल से हम लोग माने करते हैं वो क्या पता है। 26 तारीख को हम लोग को होली के, 7 तारीख को होली थी, 8 तारीख को घर से निकली, 9 तारीख को शूटिंग था बस्ती में, फिर 22 तारीख को बनारस आई। 26 मार्च को मुझे आया खबर कि वो नहीं है। बोली ऐसे कैसे हो गया, अभी मुझसे बात करी अच्छे से, रात को बात हुई, 12 बजे रात को फ़ोन लगाया तो फ़ोन नहीं उठाई, तो मुझे लगा सो गई होंगी, तो मैंने नहीं फ़ोन लगाया। स्टेटस देखा तो उस पर कोई पार्टी में गई थी, वही मैंने देखा, तो मैं बोली लगता है पार्टी में, पार्टी से आएंगी तो मुझे फ़ोन करेंगी, फिर मैं सो गई, फ़ोन नहीं करी वो। सुबह ऐसा खबर आया। तो आंटी जी, घटना के उस दिन पहले जब घटना जो हुआ था उसके पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में आकांक्षा दीदी ने खुद कहा था कि अगर हमें कुछ भी होता है, हम रहे या ना रहे, तो उसमें समर सिंह का हाथ है या समर सिंह ही उसके जिम्मेदार होंगे, ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? सब लोग को ये बात पता थी, माने समर सिंह ने शायद मारा था, मुझे नहीं बताई थी। और जैसे कि आपने सुना कि मुझसे कोई बात वो नहीं बताती थी, एक सहेली उनकी खुलासा करी है, जो वहाँ नाम है मेरे बगल में रहते हैं 903 में, ठीक। तो उसने मैंने खुलासा किया था कि माने ऐसा ऐसा बात है, वो उससे सारी बात बताई थी कि कैसा मारता था। तो बोली कि आंटी से बता, तो बोली कि मम्मी को बताऊंगी तो मेरी मम्मी बहुत तकलीफ में हो जाएगी, क्योंकि शुरू से मेरी माँ बहुत दुख झेली है, इसके लिए मैं माँ से नहीं बताऊंगी। वही मैं अपनी बेटी से वही आज भी कहना चाहती हूँ कि काश मुझे तू बताई होती जी। जब मैं इतना तकलीफ सही, इतना दुख झेली हूँ, क्या मैं तुम्हारा ये दुख नहीं झेल सकती थी? आज तुम जिंदा रहती, आज मैं समर सिंह को फाड़ के खा ले जाती अगर मुझे पहले ये बताई होती तो, आज नहीं होना पड़ता ये वीडियो। जैसा कि आप लोग देखे हैं कि मेरा जिम्मेदार समर सिंह है, वो आकांक्षा ने खुद वीडियो, उनका ही आवाज़ है, वही है ना, कोई बना उनको। ये उनकी सहेली सीबी नाम की है, अंधेरी में रहती है, इन्होंने क्लोज फ्रेंड पे माने वो भेजी थी वीडियो, जब समर सिंह ने मारा था तो क्लोज फ्रेंड पे डाली थी। तो मैं जब चिल्ला रही थी तो पूछते ना, अरे भाई कैसे इंसाफ के, इंसाफ मांग रही है, ऐसा इंसाफ मारे सबको फंसा रही है, तो ये वीडियो उसने फिर मुझे डाला। आंटी जी ये पूछना चाहेंगे कि सोमेंद्र रेजिडेंसी होटल कमरा नंबर 105 में ये घटना हुआ था, तो उसके बाद आपको कैसे पता चला और क्या हुआ था फिर उसके बाद? मुझे, मैं
फोन लगाती गई मेरी बेटी को, यही सीबी ने ही मुझे फोन किया। मैं पंचमी के दिन था नवरात्र का, मैं नहा धो के पूजा घर में करी और नीचे गई थी पूजा करने। पूजा करके ऊपर आ रहे तो मेरा छोटा बेटा फोन उठाया था, यही सीबी फोन करी थी। तो ये मैं आई तो मेरा छोटा बेटा, मम्मी दीदी का फोन नहीं लग रहा है, दीदी बोल रही है। हमका सोई होंगी, अभी 12 बज रहा है, वो उठती है 2 बजे तक सो के शूटिंग पर से। तो बोलती नहीं आंटी मैं रात से लगा रही हूँ, फोन नहीं लग रहा है। तब तो मैं बोली अच्छा रुक मैं लगाती हूँ। तो मैंने फोन लगाना सुना तो फिर कितना घंटी फोन करते करते तब जाके उठाए, तो उसमें आवाज आदमी का आवाज। तो मैं बोली आप कौन बोल रहे हैं, मेरी बेटी का फोन है, मेरी बेटी को फोन दीजिए। तो बोलते चलो रखो बाद में बात कराता हूँ। अब मेरा डर गई मैं, बोली लगता है संजय सिंह ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया जो धमकी दिया था। फिर मैं फोन लगाती गई, फिर लगाती गई तो फिर उठाई फोन। तो बोलते हैं मैं सारना चौकी से बोल रहा हूँ। तो मेरी सर सर क्या हुआ, मैं आकांक्षा कहाँ है उनको फोन दीजिए। बोलते बाद में बात कराता हूँ, मुझे तब भी नहीं बताए। फिर मैं अपने बेटे को बड़े वाले हरिओम दुबे को फोन करी कि बेटा देखना कि बहन का फोन नहीं लग रहा है। तो ये फोन लगाए तब पुलिस वाला उठाया तो बोलता है कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। अब ये लोग मेरी बेटी को निकाल के ले गए थे, हम लोग को कोई खबर नहीं। जबकि रोड एक्सीडेंट भी अगर होता है दुर्घटना तो बगैर घर वाले के बताए बगैर नहीं ले जा सकता। फिर मेरी बेटी का शव बिना बताए कैसे लेके गए निकाल के होटल, क्या लावारिस थी? लावारिस नहीं थी। समर सिंह ने पहले ही पैसा भर चुका था कि फटाफट रफा दफा करो लावारिस दे सा। और आंटी जी इसमें होटल मैनेजर पूरा शामिल है। होटल मैनेजर को क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तारी हुई, मैं शुरू से चिल्ला रही हूँ। अब ना ही सोमेंद्र होटल अभी तक सील हुई है, सील भी नहीं हुई। मेरी बेटी का जितना सामान था 105 कमरा में, वो सारा सामान पुलिस वालों ने मेरे इजाजत से, मेरे बगैर इजाजत के, मैंने इजाजत नहीं दिया मुझ की सामान निकाल के लेके आओ, मेरे बगैर इजाजत के वो लोग सामान निकाल के चौकी में ला रख दिए हैं। ऐसे कैसे भाई, वो होटल सील नहीं हुई ना मैनेजर पकड़ाएगा, इसका मैं क्या समझू मैं। तो आंटी जी घटना के 12 दिन बाद समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाँ। तो फिर उसके बाद अब 7 महीने हो गए, 7 महीने के बाद उनको जमानत मिल चुकी है। तो क्या मामला चल रहा है हाईकोर्ट में अभी? देखो न्यायालय के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि जज साहब ने कुछ सोच समझ के ही बेल दिया होगा, इसलिए मुझे न्यायालय के ऊपर भरोसा है कि मुझे तो इंसाफ मिलेगा। उनका भी जो भी था भाई कुछ सोच के दिए होंगे, तो मैं न्यायालय की सम्मान करती हूँ। और वो तो फिर से जाएंगे, हाँ फिर से जाएंगे, मेरा केस फिर से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का वो सब जवाब आ गया, राज्य सरकार का भी और कोर्ट का भी, और हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे। और आंटी जी मैं आपसे पूछना चाहता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सपोर्ट कैसा है? मतलब कि पवन सिंह जी घटना के कुछ दिन बाद आए थे, अक्षरा सिंह जी भी आई थी, पवन सिंह जी ने कहा भी था कि हम साथ हैं आपके, हमें यह विश्वास नहीं हो रहा है कि यह अभिनेत्री जो इतने कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था उन्होंने, कि उन्होंने ऐसा क्यों कर लिया? तो फिर अक्षरा सिंह ने क्या कहा उसके बाद? कभी उन्होंने फोन किया पवन सिंह जी ने, कभी कुछ कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं या कुछ? पवन सिंह जब आए थे तो आप लोग देख रहे हैं लाइव खुद ही, जो बोले थे कि अरे मैं इंडस्ट्री से मैंने हीरो नहीं बन के आया हूँ और ना दिखावटी के लिए आया हूँ, मैं एक आम आदमी था कि मैं बेटा बन के आपका घर का मैं बेटा बन के आया हूँ। मुझे बोले भी कि आपका बेटा गया तो ये मत समझिए कि नहीं है, मैं आपका बेटा हूँ और मैं आजीवन आप लोग का बेटा बन के रहूंगा। तो बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। बेटा बनने में तो सब बोलते हैं बेटा बन गया, लेकिन बेटे का फर्ज निभाओ तब न जानू। आज 1 साल का दिन हो गया बोल के गए, कभी पूछे कि हाँ माँ कैसी हो? अब तो आकांक्षा ने, जबकि वही सहारा थी, सबको पता था ना कि आकांक्षा ही दुबे मात्र एक सहारा थी घर में कमाने वाली और चलाने वाली, कोई नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज 1 साल बीत चुका है, आज 26 मार्च 2024 है, और 1 साल पहले 26 मार्च 2023 को यह घटना हुआ था। उसके एक दिन बाद सभी लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी सारे हीरो हैं एक्टर्स हैं आए हुए थे और माताजी को दिलासा दिलाए थे कि माताजी हम आपके साथ हैं और साल भर के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सांसद भी हैं, मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी और पवन सिंह जी भी, लेकिन अब कोई आया नहीं। तो उसके बाद अब कोई क्या चल रहा है कि उनके दोस्त या कुछ ऐसा कोई खुलासा हो रहा है या इनके मामले में? समर का ही आदमी आया था, जैसे अपना ये मैं बॉम्बे में थी तो क्या नाम है, अरे वो बनारस का ही है, मिश्रा है, पंख नहीं नहीं
क्या नाम है उसका, ठीक है आगे बताइए। हाँ वो था, आया था एक जन और थे मेरे पास आए थे कि अरे समर बहुत रोग आ रहा है ऐसा वैसा ऐसा भागा था। मैंने आप हमका ऐसे कैसे मैं छोड़ दूं, जब वो नहीं किया था बेगुनाह था तो ऐसे कैसे भागा, उसको मेरे सामने आना चाहिए ना। अरे बहुत कर, क्या मैं तुझे जान से थोड़ी मार डालती, आता मेरे पास दो चार पड़ाका मारती मेरे गुस्से में, तू जब किया नहीं तो भागा क्यों, किया तभी तो भागा, क्यों भागा। मैं बोली तुम लोग को कहने से मैं नहीं छोड़ दूंगी उसको, कि मैं छोड़ दूंगी, बेगुनाह है वो, मेरी लड़की का कातिल वही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक साल से ज्यादा, आज एक साल हो गया है और उनकी माताजी न्याय का गुहार लगा रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी गई थी, तो जब आप गई थी तो क्या हुआ था? मैं गई थी उनके पास भी, तो उन्होंने बोला कि कार्रवाई तो हो रही है जी, हो रही है जांच। तो मैं बोली ठीक है, जब बाबा ने बोला है तो भाई होगी जांच, कार्रवाई हो रही होगी, लेकिन एक साल का दिन हो गया मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ कार्रवाई चल रही है, जबकि मैंने सुना है कि बाबा के राज में कोई अपराधी बच के नहीं जा सकता, सबको न्याय मिलता है, तो मेरी बेटी में इतना देरी क्यों लगा रहे हैं। एक गरीब परिवार से थी, इसके लिए मैं यही बोलूंगी, आपने जैसे बोला था कि मैं उत्तर प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा मैं करूंगा, ये योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि मैं उत्तर प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा मैं करूंगा। तो बाबा कहाँ हैं आप, मेरी बेटी का हत्या हुआ है, मेरी बेटी खुशी नहीं करी है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपराधियों को सजा दिलाइए और मुझे न्याय दिलाइए मेरी बेटी को, नहीं तो ऐसे ही अपराधी मनबढ़ हो जाएंगे और कितनी लड़कियों की हत्या करेंगे। मैं आपसे यही विनती करती हूँ, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए, हत्यारों को सजा हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माताजी लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ चाहिए, और हम लोग भी यही आए हैं पता करने कि क्या बात थी क्या नहीं था। तो ठीक है माता जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम लोग चलें। और दोस्तों जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री, जितने सारे लोग फैंस हैं आकांक्षा दुबे जी की, जितने हमारे चाहने वाले हैं, सभी लोग आकांक्षा दुबे जी का सपोर्ट करिए कि यह जल्द से जल्द उनको न्याय मिले, उनके माता जी को न्याय मिले, और आप सब भी आगे बढ़ सके, क्योंकि बेटियां आगे बढ़ेंगी तभी देश की तरक्की होगी। तो ठीक है माता जी, हम लोग अब चलते हैं।